हेलो एंड वेलकम गाइस दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल टेक्नो स्टडीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है विजुअल बेसिक, जिसमें सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज विजुअल स्टूडियो, हाउ यू कैन क्रिएटिंग ए डॉट नेट सॉल्यूशन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है। लैंग्वेज के लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसका वर्क प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए सभी आवश्यक टूल्स प्रोवाइड करना है। इसका प्रयोग कंसोल एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, कंसोल एप्लीकेशन ETC क्रिएट किए जा सकते हैं। इसमें यह .NET के सभी लैंग्वेज के लिए एक कॉमन IDE प्रोवाइड करता है, जिसमें इसकी सभी लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। यह सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज मोबाइल, विंडोज CE, .NET फ्रेमवर्क, .NET कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क आदि के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने में सहायता करता है। यह .NET की महत्वपूर्ण लैंग्वेज जैसे विजुअल बेसिक .NET, CH, ASP.NET, JH, ETC के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। ये इसका रिलीजिंग डेट देख लेते हैं और वर्जन। .NET 1.0 13/2/2002 का आया था, जो विजुअल स्टूडियो .NET देख लो यार। और अभी .NET 4.0 जो 2010 में डेट आया था इसका, विजुअल स्टूडियो 2010। विजुअल बेसिक .NET में प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए निम्न स्टेप निम्नलिखित है। विजुअल बेसिक .NET में एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू के अंतर्गत सब मेनू पर क्लिक करते हैं, जिसमें न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इस विंडोज में प्रदर्शित टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में से हम जिस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट टाइप विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, विजुअल C++ प्रोजेक्ट, विजुअल CH प्रोजेक्ट ETC होते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रोजेक्ट टाइप में विभिन्न एप्लीकेशन होते हैं। जैसे विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट टाइप में टाइप से हम विंडोज एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन ETC क्रिएट कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन प्रोजेक्ट टाइप को चुनेंगे, जिससे फॉर्म विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ डायग्राम है, देख लो यार अच्छे से। चौथा पॉइंट क्या है, इस विंडो में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इन विजुअल बेसिक .NET के टाइप इस प्रकार हैं। पहला है विंडो एप्लीकेशन, दूसरा क्लास लाइब्रेरी, विंडो कंट्रोल लाइब्रेरी, स्मार्ट डिवाइस एप्लीकेशन, ASP.NET वेब सर्विस, वेब कंट्रोल लाइब्रेरी, कंसोल एप्लीकेशन, विंडो सर्विस, इम्पेटी प्रोजेक्ट, इम्पेटी वेब डायरेक्ट। प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल में नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।